अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिम सईद किचन। सारे दोस्त भाई कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बारिश सुबह से लगी हुई है, दाना डालने आए और दाना नहीं डाला गया, तो शायद हैं वो किसी का एक बच्चा आगे दीवार पे बैठा हुआ, वो देखें सामने आके वो नज़र आ रहा होगा। तो अब कबूतरों सारे अंदर है, बंद है, कोई निकल नहीं रहा बाहर, तो अब किसी तरीके से इसको पकड़ना है, तो देखते हैं पकड़ा जाता है कि नहीं। इस टाइम तो जो उसकी सूरत हाल है ना, फुल भीगा पड़ा है, तो कोशिश करते हैं अगर पकड़ने की, अगर पकड़ा गया तो फिर आपको शो कराते हैं क्या सूरत हाल है। वो सामने दीवार में बैठा, तो क्लोज करके मैं आपको दिखाता हूँ। दाना तो दोस्तों बाद में डालते हैं, अब दाना बाद में डालते हैं, पहले ये देखें ना, मैं आपको बच्चे का शो कराता हूँ, फिर इसको कोशिश करते हैं पकड़ने की। ये देखें जी, ये बैठा हुआ है, वो हिलने लगा, उड़ने लगा, उड़ गया, वो फुल गीला हुआ पड़ा, उसे दोस्तों उड़ा नहीं गया। ये पकड़ो, मैं इसको पकड़ता हूँ, तो देखिए बच्चे का क्या हाल हुआ पड़ा है, वो खुद ही नीचे उतर आया है। ये देखें उसके तरह, ये देखें बच्चे के पड़ों का क्या सूरत हाल बनी पड़ी है। ये देखें, सलारा था बच्चा किसी का, ये देखें बेचारे की महल, एक आंख भी ना थोड़ी सी खराब लग रही है मुझे, ये देखें हल्की सी है, ये वाली इधर वाली आंख भी थोड़ी सी इसकी खराब हुई पड़ी है। ये देखें आँख का भी इसको थोड़ा सा मसला है, दूसरी साइड का देखें, दूसरी साइड से इसकी आँख ठीक है। बच्चा भी डब वालों में से लग रहा है, बच्चा बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें बस किसी का बारिश में निकल गया है, उड़ गया, जो भी सूरत हाल है, जलील हो रहा था कहीं पे। ये देखें बच्चा बड़ा ज़बरदस्त है दोस्तों, इसको वो सामने वाले पिंजरे में बंद करते हैं क्योंकि इसकी आँख ख़राब है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता किसी भी किस्म का। तो बकाया अपने जो कबूतरों को सुबह से दाना नहीं डाला, अब उनको ये करना है कि दोस्तों दाना आज अंदर ही डालेंगे, बाहर वाला कोई सीन नहीं है। इसको मैं उधर बंद करके आता हूँ, उसके बाद जो सूरत हाल बननी है वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों बारिश हो रही है, तो खुडे के अंदर ही तो कोशिश करता हूँ दाना डालने की। ये देखें मामला तो ये है कि आपके सामने है जो भी सूरत हाल है। दोबारा खोलते हैं जी, और खोला जा भाई सिम सिम। आ जाओ भाई बब्बर शेरो। दोस्तों आप इनको यही सूरत हाल है, अंदर ही दाना थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा। हा आ जाओ भाई, जो भाई मिलता है खा लो, फिर जमीन पे ही खाओ आज, ठीक है, क्योंकि आज जमीन पे ही इनकी बारी है। आज अंदर ही खाएंगे और जमीन पे ही खाएंगे। दोस्तों बारिश बड़ी तेज़ हो गई है, ये देखिए आपके सामने ही है, इनकी सूरत हाल है जी। पानी शानी दोस्तों इनको डालते हैं, अंदर ही रखना सारा कुछ, जो भी मामला है। बारह ही दोस्तों फुल तेज़ है, ये देखिए क्या सूरत हाल है। इनको पानी शानी जो भी डालना है, ये पानी भरे तुम। तो दोस्तों मेरे पास इस टाइम ना सिरका ख़त्म हुआ है, एप्पल साइडर विनीगर जिसको कहते हैं सेब का सिरका, मेरे पास ख़त्म है। तो आप जो दोस्त देख रहे हैं, एक लीटर पानी है ना, अगर आपका उसमें दो सीसी सेब का सिरका लाजमी डालें, अगर दो लीटर पानी उसमें चार सीसी, तो मतलब मकदार कम ज़्यादा लाजमी करें, क्योंकि बैक्टीरिया जो भी कबूतर के अंदर जाता है ना, मौसम में गंदा पानी पीने की वजह, गंदा दाना खाने की वजह से वो सब निकल जाता है, उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो मैं तो भाई जान अंदर ही दाना पानी कर रहा हूँ, एक बच्चा भी पकड़ा गया, उसके अलावा दाना शाना अंदर ही चलेगा। कबूतरों ने सुबह से बाहर निकल के नहीं देखा था, मैंने अब दरवाज़ा खोला है, तो आप जो है ना इनको पानी शानी अंदर ही रखेंगे। पानी भी अंदर ही, ये दरवाजा भी बंद है, ठीक होगा दोस्तों। बकाया दोस्तों अगले जोड़ों वाले खड्डों का भी दाना चना डालना है, पहले उनके केजेस को साफ कर लें, दाना मैंने अंदर ही रखना है, लेकिन वो पानी शानी अंदर ना जाए, जल्दी उसको साफ करते हैं और दाना उसके बाद अंदर ही रखेंगे इनको, ठीक हो गया। दो महीने का काम है, दो
जो पानी निकालती है थोड़ा सा इधर से करते हैं। दोस्तों अपना काम है खुद करना पड़ता है। बारिश वाले दिनों में ये मसला मसाइल हर बंदे का चलता है, बाकी लापरवाही आपने बिल्कुल नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि लापरवाही करेंगे तो आपके कबूतरों की आंखों का मसला बनेगा, और भी बहुत से मसाइल आते हैं, क्योंकि कबूतरों के खुडों में जब नमी आएगी ना, अगर आप साफ नहीं करेंगे तो उसकी वजह से गैस बनती है। गैस बनने की वजह से आंखें ख़राब होती हैं। गैस कैसे बनती है, बीठें गिली होंगी, उसके बाद उसके अंदर से गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो कबूतर आपकी आंखों को पड़ेगी, ख़राब होंगी आंखें। इसलिए एहतियात लाजमी करें, खुडों के अंदर नमी नहीं रहने देनी। जहाँ पे आपको लगे हल्की सी बारिश की छटा लगा हुआ है, साफ़ कर दें अच्छी तरीके से। अब मैंने खुडों के अंदर दरवाज़ों में से साफ़ कर दिया है, बकाया जो है ना हम मामला दाना अंदर ही डालेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी का दाना कल होगा इंशाल्लाह। अब इनको दाना छना डालते हैं। ये देखें जी, ये इनकी ट्रे मैंने ली है, ट्रे को अच्छी तरह साफ़ कर लेना आपने, बीठे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर नमी वाला ट्रे होगा, बीठे लगी होंगी तो दाने को भी गंदगी लगेगी। हमने अब ये एक केज का हो गया मामला, तो ये मैं अंदर रख के आता हूँ, दोबारा शुरू करते हैं। ये पानी की तलाश में कबूतरों की पता नहीं क्या दिमाग है, पानी अंदर पड़ा हुआ है, उसके बाद बाहर निकलना शुरू हो गया कि बाहर निकल के पानी पिए। चलो भाई अंदर पानी पड़ा हुआ है, मैं दाने की उनको अभी थोड़ी सी तलब हो रही है, उनको अभी दाने की थोड़ी तलब है, और सारा दाना खा गया जो पहले डाला था मैंने, तो इनको ये थोड़ा दाना और फेंकते हैं, उसके बाद अगले जोड़ों को भी जो है ना दाना डालना है अभी। ये दूसरा ट्रे लिया मैंने, इसको भी थोड़ा साफ करना पड़ेगा। कोई सा भी कपड़ा ले लें, कुछ कपड़ा लें, उसका साफ करके दाना डालें। पानी रह गया रखने वाला, वो भी रखेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कैसी लगी आपकी वीडियो। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।